हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस द अनबॉक्सिंग। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक एयर डिफ्लेक्टर का, जो एयर कंडीशनर के लिए होता है। ये एक बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि गर्मी में हर घर में आजकल एसी होता है, और एसी का जो डायरेक्ट जो विंड होता है वो बच्चों के लिए या किसी बुज़ुर्ग के लिए, या कोई अगर आपके घर में कोई अगर प्रेग्नेंट हो तो उनके लिए ये एकदम ठीक नहीं होता है। तो ये डिफ्लेक्टर जो है, ये जो एसी का जो डायरेक्ट जो एयर है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं आता है। तो चलिए कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसको कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है। देखिए, इसमें लैंग्वेज जो है वो सब चाइनीज़ में है, क्योंकि ये चाइना से ही आया है। ये मुझे मिला है कुछ 1100 के आसपास में। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप वहां से भी ख़रीद सकते हैं। 5 या 6 स्टाइल में आता है। मैंने जो लिया है ये Type 2 का है। इसमें और कुछ भी नहीं, और इसमें छोटा सा एक इसमें छोटा छोटा पार्ट भी रहता है। इसको थोड़ा देख के निकाल लीजिए, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये देखिए, ये बहुत सिंपल सा ही है। ये है इसका फिटिंग्स। इन सब से ये फिट हो जाएगा आपके एसी के बिल्कुल सामने फ्रंट में, और ये दिखने में भी अच्छा रहता है। ये है सब, और ये है जो एयर को डिफ्लेक्ट करेगा। ये है मेन पार्ट। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। ये बहुत तरह का भी आता है। ये लगाने से कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, रिमोट भी काम करेगा, और एसी का जो हवा है रूम को ठंडा भी करेगा, लेकिन इसका जो हवा है वो डायरेक्ट नहीं लगेगा। चलिए इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक इंस्टॉलेशन गाइड भी दिया गया है। यहाँ पर सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन जो इमेजेस है, यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखाया गया है, तो इमेजेस से इसको पता चल जाता है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना पड़ता है। पीछे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी और सिंपल वे है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या है। ये 2 माउंट है और ये 2 माउंट है, और ये जो है ये होल्डर है, मेन होल्डर है। इसमें ये डिफ्लेक्टर रहेगा, जिससे ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और ये 2 क्लिप है, इन 2 क्लिपों को एसी के पीछे लगाना पड़ेगा। वो भी मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे लगाना पड़ता है। इसमें स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको निकाल देता हूँ मैं। ये स्टील का है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अभी थोड़ा मैं इसको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना पड़े। ये 10 पिन है यहाँ पर। पहले इसको यहाँ से डाल देते हैं। अभी दूसरा वाला,
पहले भी मैंने बताया था कि ये एसी का जो डायरेक्ट हवा जो आता है उसको ये डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट जो एयर आता है उससे कुछ परेशानी होता है। सभी को नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है, तो जिनको होता है उनके लिए ये परफेक्ट है। किसी को सर दर्द होता है, छोटे बच्चे के लिए कभी कभी ये बीमारी का कारण बन जाता है। ये जो डिफ्लेक्टर मैं दिखा रहा हूँ ये 1.5 टन स्प्लिट एसी के लिए है। 1 टन के लिए अलग साइज आता है और 2 टन के लिए भी अलग सा साइज आता है। ये हो गया ये वाला रेडी। ये जो लीवर है, दो लीवर है, इससे ये मूव करेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड। चलिए इसको भी लगा लेते हैं। ये ऐसे यहाँ पर जाएगा, ऐसे जाता है, लेकिन पहले ये नहीं, पहले इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पर और इसको एसी में फिट करने के बाद इसको इस होल्डर में ऐसे डालना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ से ये डिफ्लेक्टर मूव कर सकता है। इसको हटा देता हूँ, इसको थोड़ा ज़ोर से दबाना पड़ेगा। ये बैठ गया यहाँ पर, इसको भी थोड़ा बैठ गया। देखिए ये ऐसे रहेगा। चलिए अभी एसी में लगा के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए मैं ये क्लिप यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये जो दीवार है, दीवार पे एसी यहाँ पर है, तो यहाँ पर छोटा सा गैप रहता है, तो वहाँ से ये चला जाता है, ये अंदर ये चला गया। अभी इसको ऐसे कर देते हैं, अभी ये ऐसा ही रहेगा। पोजीशन बाद में ठीक करना पड़ेगा किस पोजीशन में ये आता है। और इधर भी एक आ जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पर भी एक आ गया। ये दो होल्डर यहाँ पर आ गया। अभी मैं इसको डाल रहा हूँ इस होल्डर में। तो देखिए यहाँ पर बैठ गए। आप चाहे तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के। ये हो गया। अभी देखिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ कि एसी काम भी करता है। ये हो गया ऑन। एसी ऑन हो गया, चल रहा है, स्विंग कर रहा हूँ। ये स्विंग भी हो गया, लेकिन इसका डायरेक्ट जो एयर है वो नीचे तक नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा है वो भी कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से अनबॉक्सिंग मैं और भी करने वाला हूँ। टेक केयर, गुड बाय।